गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कूटी जो कि आपको इस वीडियो में दिख रही है, इसका पेंट खराब हुआ है कई जगह, तो दोबारा से इसे बिल्कुल नया पेंट किया जाएगा। किस क्या प्रोसीजर है और कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से इसे पूरी तरीके से पेंट किया जाता है। देखिए, जो ख़राब पेंट हो चुका है, जहाँ पे स्क्रैचेस हैं, स्क्रैच की वजह से कुछ यहाँ पे पेंट ख़राब हो गया, उसके ऊपर रबिंग की जाती है। और रबिंग करने के लिए जब पेपर आता है उसको पानी के साथ जहाँ जहाँ पर भी आपको पेंट करना है वहाँ पर इसकी रबिंग की जाती है। सरफेस जिस तरीके की स्मूथ हो जाएगा इसकी वजह से, और क्योंकि इसके ऊपर एक पेंट कर दिया गया था तो उसको जो सरफेस है उसे क्लीन कर दिया जाता है। स्क्रैच की जो आप देख रहे हैं पत्ती से उसको हटा दिया जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपका एक लाइक जो है इस चैनल को मदद करेगा, इस वीडियो को मदद करेगा लोगों तक पहुंचने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करके यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इस दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, इस रबिंग के बाद जो है स्टिकर्स जितने इसमें लगे हैं उसमें पेपर टेप जो आता है उसे हाइड करने के लिए उसके ऊपर चिपका दिया जाता है कि जो पेंटिंग होगी तो जो स्टिकर्स हैं, जो इसके ऊपर जो स्टिकर्स हैं और जो लोगो लगे हैं उस पर कोई भी पेंट ना आए। इस तरीके से पूरा रैप कर दिया जाता है पेपर से ताकि पेंट का जो स्प्रे है वो वहाँ पर ना आए जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं। ये बेस पड़ेगी, ये फल और क्लियर एक ही है, इसके अंदर जब क्लियर हार्डनर मिला के जब भीतर में मिला के ऊपर मारा जाएगा पैनल को, इसी से मारी जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 का डब सब मिला के मारे जाते हैं। ये थिनर है, ये बेस है क्या? ये बेस है नेरोलेट वाली, व्यू वाली। अच्छा, और ये नेरोलेट वाली बेस है, ये पल दाना क्लियर है, ये हार्डनर है सुखाने वाला, सुखाने के लिए हार्डनर।
पड़ा था वो अस्तर था, और जो बाद में फैनर फेस है उसके बाद में क्लियर पड़ेगा, इसके बाद क्लियर पड़ेगा। पहले अस्तर था, ये फेस है, ये फेस है फाइनल वाली, फाइनल वाली फेस, इसके बाद में क्लियर पड़ेगा। क्लियर में हार्डनर नहीं मिला, क्लियर दूर ही थी, जब हार्डनर मिल जाता तभी क्लियर, क्लियर और हार्डनर एक साथ था इस दूसरे वाइट।